मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करूंगा मैं लीगल सीरीज़ के एफआईआर के बारे में और मेरे साथ हैं ताहिर भाई। ताहिर भाई, जो हमने लीगल सीरीज शुरू किया था तो हमने दो एपिसोड अभी तक बना चुके हैं, तीसरा आज बात करना है एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर के बारे में ये बताइए, ये वर्ड बहुत कॉमन है कि इसका पहला स्टेप क्या है अगर किसी को एफआईआर कराना है या किसी के ऊपर एफआईआर हो जाता है तो, अगर किसी को कराना है वो बताइए और किसी के पर एफआईआर अगर होता है तो इस पर क्या प्रिकॉशन और कैसे एक्शन लेना चाहिए। देखिए, एफआईआर जो है ये एक लीगल प्रोसीडिंग में पहला स्टेप होता है। तो एफआईआर होने के बाद से लॉ विल कम इन टू द मोशन, यानी कि लॉ का व्हील जो है मोशन में आ जाता है। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ, तो एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में ही होती है। पर जो भी आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे पुलिस क्या करती है, देखती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, फ़र्क सिर्फ यह है कि कुछ ऐसे ऑफेंस जो कि बहुत छोटे नेचर के होते हैं तो जिसके लिए पुलिस आपको एफआईआर नहीं कर सकती कि इमीडिएट। तो उनको क्या है, ऐसे ऑफेंस के लिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए उनको मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट भेजना पड़ता है। फिर मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को प्रोड्यूस करके अगर वो सही है तो एक आपको डायरेक्शन देता है कि आप एफआईआर कर सकते हैं। मगर जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस का इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, उसके उस गुनाह में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, पुलिस इमीडिएट एफआईआर दर्ज करने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में है। अब सवाल क्या होता है, एफआईआर कौन दर्ज करना, यानी कौन इन्फॉर्मेशन देना। असल में आम तो लोगों के जहन में क्या है कि मान लीजिए अगर मेरे पे कोई गलती, मेरे पर कोई अटैक हो गया, मेरे पर कोई जुल्म हुआ है, तो या तो एफआईआर मैं करना या तो मेरे को रिलेटिव करना बोल के, ये लोगों के जहन में। तो मैं आपको बता दूँ, एफआईआर जो मुतासिर आदमी है वो भी कर सकता है, उसका कोई रिलेटेड भी कर सकता और कोई थर्ड आदमी, चाहे वो इससे रिलेटेड भी क्यों ना हो, मगर उसको इंसिडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन हो तो उन्हें क्या कर सकता है, उन्हें एफआईआर कर सकता है। ठीक है, अब एफआईआर आती है सेक्शन 154 के अंडर में आती है। अब हम लोग देखते हैं कि जब एफआईआर हम लोग करने जाते हैं तो आमतौर पर पुलिस क्या आती है, हमको एफआईआर हमारी लेती नहीं है जल्दी से, और हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पुलिस से लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, गालियाँ भी होती हैं और कई बार उनके ऊपर ही केस हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पुलिस कोई कंप्लेंट आपकी नहीं ले तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस पर गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। आप आइए आराम से, वही कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन में पोस्ट कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, अगर आपने पोस्ट कर दिया और पोस्ट की, क्योंकि आपके से प्रूफ हो जाएगा तो कोई चांस ही नहीं है पुलिस उसको अवॉइड करेगी। जी हाँ, और मान लीजिए अगर पुलिस को अवॉइड भी उसको कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं, लॉ में बताया गया है कि सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 के अंडर में आप अपने इलाके के एसपी को, सिटी में आप डिप्टी कमिश्नर को, डीसीपी को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उन लोगों की जिम्मेदारी है या तो वो खुद एफआईआर रजिस्टर करना, नहीं तो कंसर्न ज्यूरिडिक्शन पुलिस स्टेशन को बोलने, डायरेक्शन देना कि एफआईआर करो बोल के। और मान लीजिए अगर पुलिस, उन्होंने एसपी ने भी आपकी बात नहीं सुनी और उसने आग्रह आपकी, तो आपको उसमें ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 200 के अंडर में आप कोर्ट के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट डाल सकते हैं, पर प्राइवेट कंप्लेंट डालने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं उसके हिसाब से कि प्राइवेट कंप्लेंट डालने से पहले आपको सेक्शन 154 और सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 के प्रोसीडिंग को पूरा करना है। यानी कि पहले आप ज्यूरिडिक्शन पुलिस को अप्रोच करना है, उसके बाद आपको एसपी को लेवल पे अप्रोच करना है, और ये दोनों नहीं आपकी बात सुने तभी आप क्या है, मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाना है सेक्शन 200 के अंदर में। ठीक है, अब सवाल क्या आता है कि ये एफआईआर नहीं हुई तो हमारा कोई लीगल रेमेडी है क्या, जिसे मैंने आपको बता दिया मजिस्ट्रेट तक की कोई लीगल रेमेडी है। एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बोल के सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन क्या दे दिया है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो, के पास पुलिस को इन्फॉर्मेशन आए, तो पुलिस की बाउंडी ड्यूटी है ज्यूडिशियल ऑफिसर की उसको इमीडिएट उसको राइटिंग में रिड्यूस करना और एफआईआर दर्ज करना, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये बाउंडी ड्यूटी, अगर कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं करता है, कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है, उसे सस्पेंड भी कर सकते हैं, उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्लियरली बताया गया, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहता है ये एक लॉ रहता है, ये सबके ऊपर बाइंडिंग रहता है, पूरे इंडिया के अंदर बाइंडिंग रहता है। अब आमतौर पर क्या होता है, देखना में आता है कि जब हम लोग जो कंप्लेंट देते हैं हम किसी लैंग्वेज में देते हैं, अगर कन्नड़ा में, कर्नाटक में है तो आम लोग पुलिस वाले स्टेशन प्रेफर करते हैं वो सिर्फ कन्नड़ा में ही देना। तो हम लोग क्या है, हम लोग कन्नड़ा नहीं आता बोल के हम लोग परेशान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कहीं भी ये लॉ नहीं है कि आप सिर्फ कन्नड़ा में ही देना या हिंदी के जो इलाके हैं वहाँ हिंदी में ही देना या आपको इंग्लिश में देना, आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है
आप वो जाके उस लैंग्वेज में कंप्लेंट देना, और जी पुलिस की जिम्मेदारी है उसको आपको दिल लेना बोल के, और नहीं तो अदरवाइज स्टेशन में एक राइटर रहता है जो आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो उसे कंप्लेंट लिखना, उसमें वो एडिशन डिलीशन नहीं कर सकता जैसे आपने बोलना वो। पर आमतौर में जब हम कंप्लेंट लिखते हैं तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। कंप्लेंट लिखने में हमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कंप्लेंट तीन तरह के लोग ही लिख सकते हैं, जिसने या तो उसे मुतासिर हो या उससे कोई जुड़ा हुआ आदमी हो या फिर उसको जिसको इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो कंप्लेंट लिखते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान क्या देना है, एक तो जो एली जो हमारे पास हुआ है उसे बिल्कुल भी स्पेसिफिक वर्ड में लिखना, और कौन से दिन हुआ कौन से वक्त में हुआ इसकी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। आपके पास कोई गुनाह हुआ समझिए, अगर आपको किसी ने मारा है तो किस दिन मारा है, कितने बजे मारा है, कौन सी जगह मारा है, ये चीज़ तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीन चीज़ों के अगर ये करेक्ट नहीं रही, इनमें अगर सही से क्लैरिटी नहीं, तो बहुत सारे जो होते हैं जो गुनहगार भी बच जाते हैं। तीसरा क्या रहता है कि अगर उस वक्त में और भी कोई लोग थे मौजूद थे और उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर लोग मौजूद थे तो लॉग मौजूद हैं बोल के लिखना, अगर उनको आइडेंटिफाई करके नहीं भाई एक फना ये रहमान मौजूद था वहाँ पे, खलील मौजूद था वहाँ पे, मनोहर मौजूद था वहाँ पे, चिंगप्पा मौजूद था, ऐसे नाम बोल के उसमें अगर लिख दिए बोले तो क्या होता है, पुलिस के लोग विटनेस बन सकते हैं और पुलिस को विटनेस के तरीके से इनको पुलिस इनको अप्रोच कर सकती है, और आपकी एक बिल्कुल जो कंप्लेंट जेन्यून होती है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी आराम से पुलिस कर सकती है। आमतौर पर जो लोग हम कंप्लेंट लिखते हैं जो मैं देखता हूँ, मैं कंप्लेंट बहुत वेग रहती है, वो कहाँ पे इंसिडेंट हुआ कैसे हुआ और किस वजह से हुआ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इंटेंशन भी उसमें कंप्लेंट में लिखना, किस वजह से अगर किसी पे अटैक हुआ तो किस वजह से अटैक हुआ होगा, कोई पास्ट हिस्ट्री थी या नहीं, कोई पास्ट कनेक्शन था या नहीं। अगर मान लीजिए रोड में आपसे किसी ने कोई गोल्ड चेन छीन लिया तो नेचुरली वो डकैती, उसमें आपको कुछ इंटेंशन नहीं रहती, सिर्फ उसमें इंटेंशन रहती डकैती की, छीना झपटी के। तो ये सारी चीज़ें हमें कंप्लेंट में बहुत ज़रूरी से लिखना, जब ये ज़रूरी करें तभी एक अच्छी कंप्लेंट होगी, और FIR के अंदर जो फैक्ट रहते हैं वो जो सारे फैक्ट से ही केस बनता है, और आपने अगर गलत कोई गलत फैक्ट दे दिए और आपने ऐसे कन्फ्लिक्टिंग फैक्ट दे दिए जो कि सही नहीं है तो आपका पूरा केस खत्म हो सकता है। तो FIR बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में बोला है अगर पुलिस स्टेशन ने अगर ने कोई फ़ोन रिसीव किया है तो उस फोन के रिसीव के ऊपर भी, इंफॉर्मेशन के ऊपर भी, वो टेलीफोन कॉल के ऊपर भी वो लोग FIR रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आमतौर पर होता है वैसा नहीं होता, तो आप जो भी जो स्टेप्स हैं 154 सब क्लॉज 3 के लिए और सेक्शन 200 के, वो आप करिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप आराम से अगर स्टेप लेंगे तो 100% आप लोगों की FIR दर्ज होगी जी। और इसमें FIR करने के टाइम में एक चीज़ और मैंने देखा, क्योंकि मेरा पासपोर्ट खो गया था तो मैंने पुलिस स्टेशन जाके बोले कि जब पासपोर्ट ऑफिस में बनाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि FIR चाहिए, तो मैं जब पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ऐप है ऑनलाइन ऑनलाइन, तो ऐप में जाइए, क्योंकि इस टाइप के केस के लिए छोटे मोटे होता है ना वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस, हाँ तो उनको ऑनलाइन में आप कर सकते, ऑनलाइन में कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट आप लेके चले जाइए, आपका काम आसानी से, तो बहुत आसानी से वो काम हो गया। और ये लॉ में क्या बताया गया है, जो भी आपको FIR जो भी FIR रजिस्टर करता है कंप्लेंट, तो कोर्ट ने उसने अपने इमीडिएटली आपको उसकी कॉपी देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे पैसा देना नहीं है कुछ भी करना नहीं है, और ये पुलिस की ड्यूटी है आपके FIR रजिस्टर करना। दूसरी एक और चीज़ कई बार क्या होता है FIR लिखाने में देर हो जाती है, कई मान लीजिए एक इंसिडेंट हुआ हम डर के मारे या खौफ के मारे इमीडिएट हम लोग नहीं FIR करते हैं, हम एक दिन के बाद करते हैं दो दिन के बाद करते हैं, तो ये जो डिले होती है ना ये बहुत सिग्निफिकेंट डिले होती है, और इस डिले की वजह से क्या होता है जो असल में कोई गुनहगार भी वो बच जाता है। तो आप ना जब भी आप कंप्लेंट लिखते हैं तो उस कंप्लेंट में एक पैरा जरूर ऐसा लिखना कि ये डिले क्यों हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होने से बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद भी अगर मान लीजिए अगर पुलिस इंस्पेक्टर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अगर कंप्लेंट में अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो कि केस के लिए बहुत ज़रूरत है, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं आपसे एक फर्दर स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि जो जो कमियां या जो जो इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट में छूट गई है उनको कवर करने के लिए भी कर सकते हैं। पर आमतौर पर क्या होता है जब भी जो भी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनसे पुलिस कभी भी फर्दर स्टेटमेंट नहीं लेती है, मगर जो जो मजबूत लोग हैं सोसाइटी के अंदर उन लोगों से फर्दर स्टेटमेंट करके पूरे केस को उनके फेवर में बनाने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, बहुत ध्यान रखना है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं इससे आप सुनेंगे समझेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, तो अब ये बात बताइए कि ताहिर भाई, कि अगर किसी को, ये तो आपने बताया कि अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, किसी के ऊपर हो गया और उसको नोटिस आया कि भाई तुम्हारे ऊपर ये है, तो उसको अब कितने पैनिक में जाना है, क्योंकि
देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखो दो तरह के ऑफेंस रहते हैं, एक तो जैसे बताया कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, फिर एक होता है एक बेलेबल नॉन बेलेबल। जी तो इसमें जितने भी ऑफेंस होते हैं और जितने भी छोटे ऑफेंस रहते हैं जिनमें साल सात साल सजा 7 साल तक की रहती है, जी ये पूरे ऑफेंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल होते हैं। तो इनमें जो आम तौर पे जो स्टे रोडों में होते हैं लड़ाई झगड़े झगड़े के मार पिटाई के, ये ऑफेंस आते हैं 323 और 324 के अंडर में आते हैं। तो ये जो ऑफेंस हैं छोटे हैं बेलेबल नेचर के, तो आपको डरना नहीं है इसमें। अगर पुलिस स्टेशन में गए, अगर आपसे हो भी गया या गलती भी हो गई, तो आप जाके स्टेशन में जाके बेल ले सकते हैं या तो कोर्ट में सरेंडर करके बेल ले सकते हैं। आपको यहाँ पे फंसना नहीं है किसी को ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए। कई बार क्या होता है हम पुलिस स्टेशन में बिठा लेते हैं लोग डर के मारे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑफेंस छोटा है जैसे बेलेबल थ्री जी ट्वेंटी थ्री 324, ये सारे जो ऑफेंस हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक होते हैं नॉन बेलेबल जिसमें नॉन बेलेबल रहता है मगर सज़ा क्या होती है 7 साल तक की रहती है, मगर ये भी जो बेलेबल से थोड़े से एक ज़्यादा ग्रेविटी के ऑफेंस रहते हैं। तो इसमें क्या होता है आप पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है और जेल भी भेज सकती है, तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या है अगर आपसे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया है तो आमतौर पर एडवोकेट क्या सजेस्ट करते हैं, आप इमीडिएट एंटिसिपेटरी बेल लीजिए। तो मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि सेक्शन 141A के अंडर में जो अमेंडमेंट लॉ के प्रोविजन में क्या बताया गया है कि जो भी ऑफेंस इसमें 7 साल से ज़्यादा सज़ा है तो पुलिस अरेस्ट करनी नहीं है और आपको एक नोटिस भेज देना है बताने पूछने के बाद आपका रोल जानने के लिए कि इस तरीके से कंप्लेंट हुई है, आपको इस क्या बोलना है। ठीक और है उसके इंक्वायरी के बाद पुलिस सेटिस्फाई होती है कि भाई आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो पुलिस आपको वापस ही भेज सकती है, नहीं तो आपको अरेस्ट कर सकती है। तो मैं जो आमतौर पे होता है वहाँ पर 41A का नोटिस कभी सर्व नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं 41A का सर नोटिस सर्व नहीं हो उसके बेसिस के ऊपर मजिस्ट्रेट के पास जाके खुद सरेंडर करके बेल ले सकते हैं, ठीक वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी रहा तो भी। कई मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं मगर बहुत जजमेंट्स में अनिश कुमार के जजमेंट में बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि आदमी की लाइफ एंड लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजना। और कोई मजिस्ट्रेट बगैर रीजन के किसी को जुडिशियल कस्टडी भेजता है तो वो उसको क्या करता है उसको हाई कोर्ट भी डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, ये अनिश कुमार के जजमेंट में उन्होंने बोल दिया है। तो अगर तो इसमें भी आप पैनिक नहीं होना है। उसके बाद जो बड़े ऑफेंस हैं जैसे डकैती होता है, मर्डर होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, जहाँ पे सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, तो ये ऑफेंस में पहले के ऑफेंस में अगर आप अरेस्ट भी हो गए तो आपको 2 या 3 दिन में बेल मिल जाएगी। 420 हो गया या 326 हो गया, इवन 384 हो गया, ऐसे ऑफेंस में अगर आप अरेस्ट भी हो गए तो आपको 3 या 4 दिन में बेल मिल सकती है। ठीक है, बहुत रिमोटली होता है कुछ केसेस में, जज मजिस्ट्रेट आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आपको अंदर रहना पड़ता है, मगर उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप 3 या 4 दिन के अंदर बेल हो सकते। और जो बड़े ऑफेंस होते हैं उसमें क्या है अगर आपने अरेस्ट नहीं हुए हैं तो, क्योंकि ये जो ऑफिस होता है ट्रायल वाले मजिस्ट्रेट होते हैं और इसमें मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन होता है कि कोर्स के केस के फैक्ट देख के मेरिट देख के आपको बिल देना है नहीं देना डिसाइड करना। तो ऐसे ऑफेंस में क्या होता है अगर आप अरेस्ट हुए तो आपको थोड़ा अरसा लग सकता है रिलीज होने के लिए, और अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल में गए तो आपको एंटिसिपेटरी बेल वक्त में आपको एक इफेक्टिव एडवोकेट चाहिए, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल जो 438 है एक ऐसी प्रोसीडिंग है जो कि एक जबको हमें कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि आपको प्री अरेस्ट बेल दे रहा है तो आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट जो है उसको करना है, आपको कॉम्पिटेंट एडवोकेट जो है आपके अच्छे ढंग से आपके पॉइंट को रखने के लिए और आपको एक रिलीफ दिलाने के लिए। तो अगर कोई आपसे गुनाह में भी आप इन्वॉल्व हो गए हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले देखना है कि कौन सा गुनाह है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो आपको डरना नहीं है, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है ट्रायल वाला मजिस्ट्रेट है तो आपको परेशान तो होना है मगर डरना नहीं, ठीक है। तीसरा जो है कि जो ट्रायल नॉन बेलेबल और ट्रायल मजिस्ट्रेट है तो ये बड़े तरह के ऑफेंस होते हैं, उनमें आपको एंटिसिपेटरी बेल लेने की कोशिश करना अगर आप अरेस्ट नहीं हुए हैं तो, तो मगर आप बड़े जल्दी गुनाह से है तो सजा के लिए तैयार रहिए ना फिर नहीं, सजा तो मिले, कई बार क्या होता है फंसा देते हैं ये जो कोई ये आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसके ये लिए जो फंसे जाते हैं जो जो गुनाह नहीं किए और जो फंस फंसा गए। जाते हैं उन लोगों के लिए, और ये जो प्रोग्राम भी उनके लिए इफेक्टिव होगा जो फंस जाते हैं, जी ये उनके लिए ना गुनहगार, क्योंकि गुनहगारों सड़ना है, हाँ गुनहगारों सड़ना है, फंसना है, सब कुछ होना है, जी हाँ उसी के लिए लॉ है। मगर ये जो प्रोसीजर ये आप बता रहे उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह नहीं किया है और और उनको जूते गलती तरह से फंसा फंस गया जी गया तो उनको परेशान होना नहीं है, इंशाल्लाह आप वो कर सकते हैं वो। और बेल पूरा प्रोविजन है, बहुत अच्छा प्रोविजन है लॉ के अंडर में, और इंडिया कॉमन रूल ऑफ लॉ कंट्री होने की वजह से यहाँ पे बेल को अच्छे ढंग से सुना जाता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 को लाइफ एंड लिबर्टी ये बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो जी आमतौर पर बहुत लोगों को बेल मिल जाती है। ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया FIR के बारे में बात करने के लिए। इंडियन मीडिया सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे सारे जितने भी आपको प्रोग्राम है नोटिफिकेशन आएगा और कोई प्रोग्राम आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच ताहिर भाई, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू।